लावण्या। राजा। कहाँ हो तुम? राजा मैं यहाँ हूँ। तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? क्या बात है बोलो। राजा मैं आपको बहुत चाहती हूँ। लावण्या क्या कर रही हो तुम? राजा मैं आपको बहुत चाहती हूँ। लावण्या क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? राजा मुझे ये शादी पसंद नहीं है। ये सब गलत राजा है। मैं शादी करूंगी तो तुमसे ही करूंगी। राजा लावण्या देखो मुझे इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करी। छोड़ो छोड़ो मुझे लावण्या। मैंने कहा ना लावण्या। राजा हाँ ए पापा ये क्या कर रहे हो तुम लोग? एक मिनट मेरी बात सुनिए आप। ए क्या एक मिनट बोल रहा है तू? ए मेरी बात तो सुन। बाहर चल शांता शांता जल्दी आ रहे। देख रहे तेरे भाई के लड़के ने कैसा घटिया काम किया है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अपनी सगी बुआ की लड़की के साथ इतनी घटिया हरकत किया है, इसको तो इसी वक्त घर से मार कर निकाल देना चाहिए। अरे क्या हुआ, क्यों इस तरह चिल्ला रहे हो? शांत हो जाइए, पहले मामले का पता तो करो। क्या पता करना है? मेरी आंखों के सामने मेरी लड़की की साड़ी खींच रहा था, इसने सबके सामने मेरी बेटी की बेइज्जती कर दी। अब मेरी बेटी समाज में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। मामा आगे पीछे सोचे बिना आप कुछ बोलिए मत। आगे पीछे सोचे बिना मैं बात नहीं करता। ऐसे घटिया लोग इस घर में है मुझे पता होता तो मैं उसे कदम नहीं रखने देता। मामा मुंह में जो भी आया बकिए मत। कौन रे कौन बकवास कर रहा है? इसके बाप के मरने के बाद इस कमीने को जमीन का एक हिस्सा देकर घर से भगा देना चाहिए था। अरे सुनिए आज तक इस घर की मालकिन भाभी ही है, ये बात ध्यान में रहे। वही घर की मालकिन है इसलिए इतने दिन चुप रहा, हमें यहाँ बुलाकर हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। कहाँ गया तुम्हारा स्वाभिमान, कहाँ गई तुम्हारी इज्जत? अरे मामा आओ आओ जी आओ, तुम्हारे लड़के ने कैसी घिनौनी हरकत की है तुम ही पूछो इससे। क्या किया तूने? क्या किया तूने? भाभी ओहो तुम्हारे मारने से इसने जो गलती की है क्या वो ठीक हो जाएगी? कुछ भी क्या आप चुप रहोगे क्या? ये क्या किया तूने? मैं तुम्हें अपना बेटा समझती थी ना, रिश्ता करने आए लोगों के सामने मेरी इज्जत निकाल दी, क्यों किया ऐसे? क्यों आप क्यों आंसू बहा रही हो? ये मेरी होने वाली बहू है, ऐसा नीच इंसान मेरी बहू के साथ गलत सलूक करेगा तो क्या मैं अपनाऊंगा नहीं? एक मिनट, इस घर में कोई नीच नहीं है। सबके सामने तूने मेरा सर झुका दिया ना, जा बाहर जा बाहर। अगर तू कभी लौट कर मेरे सामने आया तो मेरा मरा हुआ ही चेहरा देखेगा। निकल जा यहां से। अगर तब राजा सच बोल देता तो लावण्या का जीवन नष्ट हो जाता। सारी सच्चाई अपने दिल में दबाकर वो अपने घर और अपनों को छोड़कर दूर आ गया। उसके घर में काम करने वाला मैं, बिना मेरा स्टेटस देखे ही उसने मुझसे दोस्ती की, मुझे अपने साथ रखा, ऐसा है अपना राजा। इसलिए वो जब घर छोड़कर आया मैं भी आ गया, और वो लव करने के लिए उसका स्टेटस पूछ रही है। अपने राजा का स्टेटस क्या है पूरे स्टेट को पता है। करीमला हाँ? चल उसके घर चल के उसके पूरे खानदान को सबक सिखाते हैं। तू गाड़ी रेडी कर, मैं जाके तलवार लेके आता हूं। मनो ठीक है भाई, कुछ पता चला? थिएटर आया हूँ भाई। अड़ो कल यहाँ थिएटर में जो झगड़ा हुआ था वो लड़का कौन है भाई? कौन है वो पता नहीं, पर वो व्हाइट जीप में आया था। व्हाइट जीप में आया ऐसा पता चला। आजू बाजू में पूछ के देख। आ भाई पूछता हूँ, बैठ रहे। स्वाति जल्दी चलो। राजा राजा उठो। गीता इतनी रात में तुम यहाँ? चैत्रा गीता जल्दी बाहर आओ, चैत्रा अनवर के साथ घर से भाग गई है। क्यों? मम्मी पापा अब तक ये बात नहीं जानते हैं दीदी। गीता राजा के पास जाके हेल्प मांगते हैं। राजा के पास? राजा कौन है? गीता का फ्रेंड है आंटी, तुम लोग जाके जल्दी से राजा को बुला के लाओ, जाओ। उफ। उसके मम्मी पापा को अभी तक नहीं पता। राजा प्लीज हेल्प करो, प्लीज प्लीज। चलो ए उठ, जीप की चाबी दे। सुनो व्हाट्सएप पे फोटो भेजूंगा, सारे आदमी को भेज दो जल्दी। चाबी लो, कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तुरंत मुझे फोन करना। ओके ओके। लड़कों को बोलो कि रेलवे स्टेशन पे चेक करें, व्हाट्सएप पे मेरे फोटो भेजा है। सब जगह पे देखो। बस स्टैंड में भी चेक करने को बोलो, प्राइवेट बस को मत जाने देना, सबको चेक करो, कोई भी जगह बचनी नहीं चाहिए, हर जगह ढूंढो। रेलवे स्टेशन में नहीं है गुरु। क्या यहाँ पर भी नहीं भाई? यशवंतपुर में भी नहीं गुरु। शुरू एरिया में सब लड़के ढूंढ रहे हैं। आए राजा
अब मेरी एक फ्रेंड मिसिंग है सर। एक फोटो मुझे भेज देना। ठीक है सर, भेजता हूँ। हेलो, कंट्रोल रूम। और कोई नंबर है क्या? नहीं है। हेलो राजा, व्हाट्सएप पे जो लड़की का तूने फोटो भेजा है वो इधर ही है। कहाँ पर? कैंगरी रेलवे स्टेशन पे। चैत्रा कैंगरी रेलवे स्टेशन पे। चल छोड़ दो उसे। राजा तू इसमें इंटरफेयर मत कर, ये मेरा पर्सनल मामला है। क्या पर्सनल मामला है रे? प्यार में मुश्किल आएगी तो उसका सामना करना चाहिए, डरपोक की तरह भागना नहीं चाहिए। कितना भी मनाने के बाद मेरे घर वाले नहीं मान रहे तो मैं क्या करूं? तो क्या करेंगे वो? बेटा बोलकर तेरी शादी करवा देंगे? हाँ, उन्होंने पाल पोस कर तुझे बड़ा किया है, उनकी भी कोई मजबूरी होगी। इसमें इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है? प्लीज राजा छोड़ दो, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो? यहाँ पर भाग कर आ गई तुम, तुम्हारे पेरेंट्स इतना परेशान हैं, सोसाइटी में उनका नाम भी खराब हो सकता है, उनकी जिंदगी नहीं है क्या? माँ बाप अपने बच्चों पे बहुत भरोसा करते हैं, उनके भरोसे को मत तोड़ो। अगर भरोसा टूट गया तो वो भी तुमको दरवाजे के अंदर बंद करके जाएंगे, पर तुम उनके प्यार को समझ नहीं रहे हो। राजा मैं इसे अपनी जान से ज्यादा चाहता हूँ। ए, पूरी हिस्ट्री देख ले, बिना घर वालों की मर्जी के कभी भी प्यार कामयाब नहीं होता। तुम दोनों आज भाग जाओगे, लेकिन उसके बाद तुम्हारे माँ बाप पर क्या गुजरेगी कभी इसके बारे में तुमने सोचा भी है? जब तक माँ बाप साथ में हैं, उनकी वैल्यू समझ में नहीं आती, उनके ना रहने पे समझ में आती है। इतनी बड़ी भूल मत करो। अपने प्यार के लिए तुम एक साल इंतजार कर सकते हो ना, उसी तरह अपने पेरेंट्स के लिए तुम एक साल इंतजार नहीं कर सकते? देखो प्यार करना गलत नहीं है, प्यार की मैं इज्जत करता हूं। अनवर मेरी बात समझ में आ रही है? चैत्रा तुम्हारे माँ बाप को मनाने की जिम्मेदारी मेरी है। सॉरी राजा, इसके लिए तो मैं जीवन भर इंतजार कर सकता हूं। बाय दीदी। बाय। राजा तुम्हें अपने माँ बाप बहुत पसंद है क्या? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं रहते? थैंक यू राजा। गीता चैत्रा मिली क्या? मिल गई माँ। तो फिर इतना चेहरा उतरा हुआ क्यों है? बहुत बड़ी गलती कर दी तूने। क्या किया इसने? आंटी वो राजा है ना, इसे बहुत पसंद करता था, लेकिन ये है कि उसे जाने बिना इसने उस बिचारे का दिल दुखा दिया। मगर इतना सब कुछ होने के बाद भी उसने कुछ नहीं कहा। हमारे बुलाने पर आधी रात में आकर उसने हमारी मदद की। देख गीता, स्टेटस दिखाने वाले तुझे बहुत मिलेंगे, लेकिन माँ बाप की इज्जत करने वाला करोड़ों में एक ही होगा। ऐसे आदमी को मिस करोगी तो इस दुनिया में तुम्हारे जैसा बेवकूफ कोई नहीं। देख गीता, तुम अभी उसको बोलती हो, नहीं तो मैं वेटिंग में खड़ी हूँ। वैसे भी मेरा कोई लवर नहीं तो मैं उस पर ट्राई मारती हूँ। हे, आई लव हिम मॉम। आई एम सो हैप्पी। क्या हुआ? हाँ, हमें दामाद मिल गया। इज इट? कांग्रेचुलेशन, शादी का हॉल बुक करें। अरे बेवड़े, इतने दिन कहाँ मर गया था, दिखा नहीं तू? मैसूर में अफ्रीका से लाया गया बाघ का नेल पॉलिश करने गया था। सुबह सुबह पीना चालू कर दिया क्या? खुद को समझ के क्या रखा? अपमान करने वाली कोई खरीदारी करने ले गया था मैं क्या? कॉफी डे में सबके सामने तेरे मुंह पे चप्पल।